الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أحمد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على رب المؤمنين الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار السكينة المدعون لفرض مدينة سيدنا ونبيشنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبو القاسم ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم وأباهيهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب بنت أبي بن أبي طالب سلام الله وصلوات الله عليهم أجمعين ما رأيت إلا جميلا صلوات شيخنا ظہور ہوا کربلا میں
करबला वो नुक्ता है जहां इन तमाम अजमतों तमाम फजीलतों और तमाम इज्जतों के शरफ के जहूर के लिए जिस जगह जिस नुक्ते जिस मकाम और जिस साहत को मुंतखब किया गया और वो नूरानी पैकर सिर्फ एक साथ नहीं हुसैन इब्न अली वो हकीकत है जिस तरह से हकीकत मोहम्मदी वो एक हकीकत हकीकत वाहिदा लेकिन वो हकीकत वाहिदा हकीकत मोहम्मदी कभी जात मुस्तफा में मुतजल्ली हुई पर कभी यही हकीकत मोहम्मदी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात में मुतजल्ली हुई कभी हकीकत मोहम्मदी का ज़ुहूर पैगंबर फातिमा से हुआ कभी हसन मुश्तबा इस नूर के ज़ुहूर का मजहर करार पाए कभी हुसैन कभी इमाम सादिक कभी इमाम तकी कभी इमाम महदी बेइन ही इसी तरह से हुसैनियत वो हकीकत है कि जिसका ज़ुहूर करबला में सिर्फ ज़ात हुसैन नहीं सिर्फ आपके फर्जंदान नहीं सिर्फ आपके भाई नहीं ये नूरानियत ये कमाल हुसैनी है इस नूरानियत को ज़ात हुसैन ने अपने हर इंतखाब में मुंतकिल किया और हर इंतखाब हुसैनी से रोज़ आशूर सिफात हुसैनी का ज़ुहूर हुआ कैस इब्ने मुसहर सैदावी हों अभी अबू सुमामा साइदी हों मुस्लिम इब्ने औसजा हों ज़ुहैर इब्ने क़ैन हों अब्दुल्ला सईद बिन अब्दुल्ला हनफी हों हज्जाज बिन मसरूक हों हुसैन का हर इंतखाब अपनी मिसाल आप है हुसैन का हर मुंतखब शुदा फर्द ख़वो बनु हाशिम से है ख़वो बाहर से आया है लेकिन अब वो लाजवाब है बेमिसाल है बेनजीर है हत्ता अगर आप अंबिया में तलाश करें इन शख्सियतों की मिसाल मुश्किल से मिले इतना बुलंद किया अजमत इंसानी को ज़ात हुसैन इब्ने अली ने अगर हुसैन इस नूरानियत को फकत अपनी जात में मुनहसर रखते तो ये कमाल नहीं था इस कमाल को 72 रूहों में मुंतकिल किया और इन 72 से 72 से तजावुज करके वो असीर हरम हुसैनी यहां तक कि अगर छोटा सा बच्चा भी ले लीजिए छोटी सी बच्ची भी ले लें अगर अली असगर को उठाएंगे वो भी रूह हुसैन इब्ने अली का हामिल है वो भी सिफात हुसैन इब्ने अली का मजहर है अगर आप आतिका को उठा लीजिए अगर आप जनाब सकीना की शख्सियत को सामने रख लीजिए हर बच्चा हर बच्ची हर सहाबी आपका हर साथी आपका भाई आपके बेटे मजहर बन गए सिफात इलाहिया के ज़ुहूर के लिए सबसे पहले मरकज ज़ात हुसैन इब्ने अली खुद आका और अल्लाह ने इस नूरानी पैकर के लिए ये नाम मुंतखब किया नाम हुसैन इमाम हुसैन से पहले जब आपके जद्द बुजुर्गवार आदम अलैहि वाला नबी के ना आलाहु तहियत व सना रूह जमीन पर उतरे जनाब आदम से लेकर इमाम हुसैन के दरमियान कितनी सदियों का फासला है 7,500 साल का फासला है 7,500 सालों में अल्लाह ने बाकी इंसान भी खल किए अंबिया को भी मबूस किया 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने किसी का नाम याहिया है किसी का इब्राहिम है किसी का इस्माइल है किसी के इसहाक है शोएब है दाऊद है जुल्किफल है ज़करिया है
نہ کسی اور انسان کا، نہ اولیاء خدا میں سے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی رسول کا، نہ حسین. پہلی مرتبہ یہ نور جب روح زمین پر اتارا، سیدہ زہرا نے امیر المومنین کی خدمت میں خواہش کی، آقا اپنے فرزند کا نام تجویز کیجیے. کرنا میں رسول اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. پیغمبر کا انتظار ہوا، پیغمبر تشریف لائے، اور جب آپ سے خواہش کی گئی کہ اس مولود کا نام تجویز کیجیے، کہ میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد ذات اقدس الہ نے، پروردگار نے جبرائیل کو روانہ کیا، اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ سلام بھیجنے کے بعد آپ محمد و آل محمد پر یہ فرما رہا ہے کہ اس مولود کا نام حسین رکھا جائے. کیوں؟ کیوں کوئی دوسرا نام نہیں رکھا گیا؟ کیوں حسین نام رکھا گیا؟ وہ نام جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہے. بعد از حسین یہ نام بہت ساروں نے رکھا، جیسا کسی شاعر نے لکھا، چمن ہے دین پیغمبر حسین مالی. اچھی تشریح، چمن ہے دین پیغمبر حسین مالی، حسب بھی عالی ہے ان کا، نسب بھی عالی ہے، اور یہ معجزہ ہے یقیناً شہید اعظم کا حسین اسم کروڑوں یزید کالی ہے. کروڑوں لوگوں کا نام حسین، غلام حسین، محمد حسین، علی حسین، خود جوش مندی آبادی جن کا اصل نام شبیر حسن خان ہے. کیا خوبصورت بات، لوگ کبھی مکان بنا کے اتراتے ہیں، کبھی بڑی گاڑی لے کے، کبھی کسی منصب پہ پہنچنے کے بعد، لیکن یہ چیزیں اعتباری فرضی. لوگوں نے فرض کیا، ایک اعتبار کے نتیجے میں صدر بن گئے، پھر فرض کیا تو وہ عہدے سے ہٹ گئے. لوگوں کے اعتبارات کا نتیجہ ہے نا، سارے منصب فرضی اعتباری. کچھ شرف ایسے ہیں جو حقیقی ہیں، واقعی ہیں. جوش مدی آبادی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، شبیر حسن خان کا جوش دنیا کو مبارک ہو. یہ فانی اس زوجہ، جوش دنیا کو مبارک ہو، یہ فانی عز و جاہ. فخر کافی ہے مجھے ہم نامی ہے شبیر کا. ایک انسان وہ سر کی جو عام لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے، خوددار ہیں، جو کسی امتیاز کو پسند نہیں کرتے، جن کی نگاہوں میں کوئی اور شرف اس لائق نہیں کہ اس کا اظہار کریں. جب وہ شرف بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرف ان کی سب سے بڑا ہے ان کی زندگی میں. جب پوری دنیا کے ساتھ تقابل کرے تو ایک شرف کافی ہے کہ میرا نام وہی ہے جو میرے آقا حسین ابن علی کا نام ہے. لیکن اب آقا کے بعد جو بھی یہ نام رکھے گا، یہ نام مجاز ہے. حقیقت یہ اسم اور مسمی کہاں متحد ہوئے؟ ذات حسین ابن علی میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام کسی بھی انسان نے نہیں رکھا ہے. کوئی بھی انسان رکھے اس کا علم محدود ہے، لیکن جب عالم علل اطلاق لا متناہی علم کا حامل خدا کسی کا نام رکھے، جہاں جذبات کا تصور نہیں ہے، نہ احساسات ہیں، نہ عواطف ہیں، وہ خدا جو خالق عقل ہے، وہ خدا حکیم، جب اپنے لا متناہی اور لا محدود علم کی روشنی میں کسی کا نام حسین رکھتے. حسین مطلب کیا؟ حسن وہی مانا ہے، حسین کبھی وہی مانا ہے، ایک فرق کے ساتھ کہ حسین اسم مصغر ہے. حسن کا اگر آپ اسم مصغر بنائیں تو حسین ہے. حسن یعنی مجسم حسن، مجسم زیبائی. اب اردو زبان ہے، آپ تو کی ادیب ہے، میں ذرا داہل آدمی زیادہ نہیں جانتا، آپ میری رہنمائی کر دیجیے. مجھے فارسی کا پتا ہے، اردو کا نہیں پتا. فارسی میں حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دو قسموں میں تقسیم کیا گیا. ایک مرتبہ ایک آپ کو پھول خوبصورت لگتا ہے، آپ کو کوئی گھر خوبصورت لگ جاتا ہے، آپ کو کوئی فرنیچر اچھا لگتا ہے، یا کوئی شخص اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، اس کے لیے فارسی زبان میں کہتے ہیں خیلی کشنگ. کشنگ آپ چاہتے ہیں زیارات کی، خود
اہل علم ہے, اہل ادب ہے, مجھ سے بہتر جان. قشن جب ظاہری حسن کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قشن, لیکن جب باطنی حسن کو بیان کریں, کسی کے اندر کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہیں, کسی کی معرفت کو, اس کی بصیرت کو, اس کی دل آویزی کو, اس کی صفات حسنہ کو, اس کے اخلاق پسندیدہ کو, اب یہاں قشن نہیں کہتے, اب کہتے ہیں خیلی زیبا اسلام, وہ زیبا زیبا, جسے آپ زیبا کہتے ہیں وہ زیبا بنتے ہیں. قشن زیبا اردو میں اب آپ پتہ نہیں یہ فرق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اردو میں ظاہری خوبصورتی کو بھی ہم شاید خوبصورتی کہتے ہیں, باطنی خوبصورتی کو بھی. حسن وہی زیبائی ہے جسے فارسی میں, یعنی حسن باطنی, اور حسن وہ ذات جس میں ان تمام باطنی حسن کی جتنی بھی خوبیاں ہیں تصور کی جا سکتی ہیں, جہاں مجسم ہو جائیں, ایک پیکر میں یکجا ہو جائیں, وہ حسن کہلائے گا. حسن اور حسین کے معنی میں کیا فرق ہے؟ حسین اسی حسن کا مصغر ہے جو اس میں تصغیر ہے. اس میں تصغیر, آپ کسی کو مصغر بیان کر کے اس کا فلسفہ, اس میں ایک خوب کا پہلو نکلتا ہے جہاں پہ آپ لاڈ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں کسی کو. حسین اسی حسن کا اس میں مصغر ہے, یعنی اب یہاں پہ ایک اور چیز آ کے اکٹھی ہوئی, دو چیزیں, ایک زیبائی ہے, دوسری محبوبیت, یعنی یہ دلربا ہے. ایک تو زیبا ہے, حسین ہے, ہر وصف اور ہر کمال یکجا ہے اس کی ذات میں, جتنے بھی کمالات باطنی تصور کیے جا سکتے ہیں سب ہے. شجاعت ہے, علم ہے, استقلال ہے, جرأت اظہار ہے, بصیرت ہے, معرفت, جتنی بھی صفات تصور کی جا سکتی ہیں سب یکجا ہیں, اور ان تمام صفات اور فضائل کے اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس پیکر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلربا ہے, یہ محبوب ہے. جو بھی اہل دل ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اردو میں, عربی میں دوسرا جو لفظ اور بہترین لفظ ہے وہ جمال ہے. یہ جو اقبال نے کہا کہ حدیث عشق دو بابس, کربلا و دمشق, یہ شعر جذباتی نہیں ہے, اقبال نے بہت سوچ کے کہا. حدیث عشق آپ کی مرضی جو تعبیر کرے, اقبال نے حدیث عشق کا آپ چاہیں تو کہہ دیں نصاب عشق, آپ کا جی چاہے تو کہہ دیجیے کتاب عشق. حدیث عشق, نصاب عشق, کتاب عشق, دو بابس, کربلا و دمشق, یکی حسین رقم کرد دیگر زینب, دو باب ہیں کل کتاب عشق کے. اگر کوئی عشق کو بطور نصاب پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کل دو باب ہیں, ایک کربلا, ایک دمشق. کس نے لکھے؟ خود لکھے ہیں دونوں نے. یکی حسین رقم کا پہلا حسین ابن علی نے لکھا, دیگر زینب, دوسرا باب کتاب عشق کا اور نصاب عشق کا زینب بنت علی نے لکھا. یہ عشق کیا ہے؟ امام حسین جب مولا متقیان امیر المومنین جب جنگ سفین سے پلٹ رہے تھے, واپس آ رہے تھے کوفہ کی طرف, آپ کے دائیں طرف امام حسن تھے, بائیں طرف امام حسین تھے. جب کربلا سے گزر رہے تھے امیر المومنین, یہاں رک گئے, آپ کے ساتھی بھی رکے. کربلا کے لیے مولا متقیان نے یہ جملہ, تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے امیر المومنین کا, رکے سب نے تجسس کیا کہ سرعت سے سفر طے کر رہے تھے, لیکن اس مرحلے پہ آ کے دھوپ ہے, گرمی ہے, لیکن امام رک گئے. کچھ دیر رکے, گریا کیا, اور قریبیوں نے پوچھا کیوں رکے, کہا ہاں ہونا مسار العشاق, یہ عاشقوں کے رکنے اور ٹھہرنے کا مقام ہے. اور کربلا مکتب عشق ہے, اور ذات حسین اور ذات شریکت الحسین یہ نصاب عشق ہے. عشق کیا ہے؟ عشق کیسے ہوتا ہے؟ محبت کے جو چھ مراحل ہیں, چا
چھٹا درجہ ہوپ کا, جیسے ابو علی سینا نے کہا کہ ہوپ کیا ہے, امام غزالی نے, محی الدین نے, اپنے عربی نے, سب نے رسالت العشق بھی لکھے ہیں, محبت کو بھی بیان کیا. محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے, محبت کے اثرات کیا ہے. ابو علی سینا کہتے ہیں کہ ہوپ محبوب میں کشش اور محب میں کوشش کی جات کرتی ہے, یہ ہوپ ہے. ہوپ کے آپ درجات ہیں, آخری درجے کا نام عشق ہے. یہ ہوپ ہوتی کیوں ہے, محبت کیوں ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے؟ ایک ہمارے یہاں ہمارے سوسائٹی میں چونکہ اقدار تدریجن نیچے آ رہی ہیں تو الفاظ اپنے معنی بھی کھو رہے ہیں. ہم نے عشق کا مطلب بھی اور جب بولا جاتا ہے یہ لفظ تو اور ہو جاتا ہے, اور محبت کا مطلب بھی اور ہو جاتا ہے. اور زبان زد خاص و عام ہے یہ کلمات, لیکن در عین حال یہ کلمات اپنے معنی کھو چکے. ایک عالم دین بتا رہے تھے یورپ میں, ان کے پاس ایک جوان لڑکی اور لڑکا آئے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا لو. تو وہ جانتے تھے, وہ جوان ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا, ان کے یہاں آتا تھا, قواموں میں شرکت کرتا تھا. پوچھے کیوں آپ نے اچانک سے کر لیا ارادہ شادی کا؟ تو کہا یہ مجھے اچھی لگی. خاتون سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ارادہ کیا شادی کا؟ پہلے سے جانتے ہیں, رشتہ دار کر لیے, ابھی دو دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی. اتنا جلدی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس جوان کی اسمائل بہت اچھی لگی, اس کی مجھے جب ہنستا ہے تو دانت بہت اچھے لگتے ہیں. خیر وہ پڑ گئی. ہفتہ دس دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ہے, کہا تو ہمارا سیگے طلاق جاری کر. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں, ابھی تو ایک ہفتہ گزرا ہے شادی کو, کیوں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ سمجھایا کرنا ہم نے بس نہیں رہنا, ہم نہیں رہ سکتے. پہلے آپ اتنی شدت سے چاہ رہے تھے, میں نے کہا تھوڑا سوچ لیں, اتنا جلدی نہ کریں نکاح میں, تاکہ آپ کے یہ سفر مشکل ترین زندگی کا عام فیصلہ ہے, بڑا فیصلہ, اتنی جلدی میں نہ کریں. لیکن اس وقت آپ کو جلدی تھی, اب طلاق کی جلدی, کیوں ایسا ہوا؟ خاتون سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے منہ سے بدبو آ گئی, اسمیل آ گئی. اسمائل سے شروع ہوئی محبت, اسمیل پہ آ کے دانتوں سے شروع ہوگی. دانتوں کے ختم محبت نہیں ہے. محبت کے متعلق جو عرفا نے, دانشوروں نے, فلسفیوں نے گفتگو کی ہے, محبت ہمیشہ صفات سے ہوتی ہے, ظاہر سے نہیں ہوتی. محبت کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں, محبت کا تعلق صفات سے ہے. اور اس محبت کی جو انتہائی شکل ہے, ان احساسات کا اوج, وہ عشق ہے. عشق اسی محبت کی کمال یافتہ شکل کا نام ہے, آخری حد کا نام ہے. یہ جذبہ, لیکن یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ صفات سے. فطری طور پر انسان محبت کرتا ہے, اور محبت ہمیشہ کمال سے کی جاتی ہے. کمال یہ فطری بات ہے, یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جن میں کوئی دقت پیچیدگی ہو. اب تک رہے تو میں ایک ایسی بات کروں کہ بچے جو موجود ہیں جوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. ایک لفظ نہ شائستہ ڈر رہا ہوں, بات کروں نہ کروں, لیکن اب کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. دیکھیے ہندو ہیں, سکھ ہیں, چونکہ پاک و ہند ہم ایک عرصے تک مل کے رہے, ہندو اور سکھوں میں سے بھی جب کوئی پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے, اب بھی کون سا نام لیتا ہے؟ کیوں علی کا نام کیوں لیتا ہے؟ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا؟ یہ مصاحبہ بھی ہوا بہت سالوں سے, پوچھا گیا کہ تم ہندو ہو سکھ ہو, لیکن اکھاڑے میں اتر کے اپنے کسی بڑے کا نام لینے کے بجائے علی کا نام لیتے ہو, کیونکہ یہ نام لیتے ہی مجھے قوت کا احساس ہونے لگتا ہے, میں اپنے وجود میں طاقت کا احساس کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں یہ نام لوں گا دشمن پر غالب آ جاؤں گا. کیوں؟ ایک انسان غیر مسلم ہے علی سے محبت کرتا, مسلمان نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, سکھ ہے, غیر مسلم ہے, ہندو ہے, محبت کرتا. مجھے جو بات میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں, لیکن چھوڑوں تو بات مکمل ہی پہنچے گی نہیں اس طرح سے, اس میں ایک لفظ نامناسب ہے, میں بدلنا چاہ رہا ہوں, لیکن کوئی ایسی تعبیر نہیں ملی کہ کیسے بدلوں, لیکن ویسے ہی آج کر دیتا ہوں, آپ معاف فرمائیں. مولانا اسماعیل ایک دیوبندی عالم تھے, پھر انہوں نے مذہب حجویت قبول کیا. ان کے ساتھ کسی کا مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, گفتگو ہوئی,
किसी और दूसरे मसलक के आलिम, उसने इन पर एक तंज का वार किया। कभी तो होता इल्मी बात की जाए इंसान जवाब भी देता है, लेकिन कभी कभार ऐसी बात होती है जो तंज होता है दूसरे पर, एक तरह का हमला होता है। उन्होंने भी ऐसे ही तंज किया, कहा कि इस्माइल साहब ये बताइए कि ये जितने भी गाने बजाने वाले और नाचने वाले और तबले वाले और इस तरह के, इनके लिए खास लफ्ज का, ये जितने भी कंजर हैं ये सब शिया, तंज किया, चोट मारी। क्यों? इन्होंने बड़ा बर्जस्ता जवाब दिया, है नफसी जवाब लेकिन उसमें इल्मियत का पहलू भी। कहा ये जितने भी कंजर हैं इस कबीर के गाने बजाने वाले नाचने वाले, तो ये सब शिया है, तंज किया। इन्होंने कहा हाँ ऐसा है, मैं इनकार नहीं करता। वो कह ऐसा क्यों है? ऐसे ये लोग बहुत समझदार होते हैं। इसमें क्या समझदार है? कहा वो ये समझते हैं कि हम तो ठहरे कंजर, और अगर हमने इस दुनिया में अपने जैसे किसी का दामन पकड़ लिया तो दुनिया भी गई आखिरत भी गई। हम जैसे हैं वो भूल रहे, लेकिन कम से कम हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अली जैसी हस्ती का दामन पकड़ेंगे, कम से कम कोई तवक्को की, कोई नजात की उम्मीद पैदा हो जाए। इंसान फितरी तौर पर कमाल का शीफता है, आशिक है, और परवरदिगार ने इस पैकर का नाम, इस नूर का नाम, इस नूर खुदा को जब रूए जमीन पर नाजिल किया, नाम हुसैन रखा। यानी जितने भी कमालात हैं मैंने सारे कमालात को इस एक पैकर में यकजा कर दिया, और अब इन कमालात का जरूर तदरीजन हुआ, तदरीजन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया। मैंने कल एक जुमला कहा था कि इमाम हुसैन ने अपने कयाम के लिए करबला और नैनवा की सरजमीन का इंतखाब क्यों किया, रोजे आशूरा का इंतखाब क्यों किया? दो मुहर्रम को ऐसे हालात बन गए थे कि आपका तलवार उठा सकते थे, उठाते तो कोई ना कहता कि हजरत ने पहल किए। चार मुहर्रम को जब शिमर आया 2000 का लश्कर लेके, पहले होर आए दो मुहर्रम को 1000 का, तीन मुहर्रम को फिर साद इब्ने अबी वकास 4000 का लश्कर लेके आया, फिर चार मुहर्रम को शिमर में जिलजोशन आए 2000 का लश्कर लेके। अब चार को ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि जंग हो जाए, अतः नौ मुहर्रम रोजे तासुआ जब उमर इब्ने साद ने हमला किया चंद उसके सिपाहियों ने, तो अबुल फजल अब्बास मुस्कुराती हुआ है, हमारे यहां अगर हमला हो जाए तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन करबला में अबुल फजल अब्बास मुस्कुराती हुआ है। कहा हजरत ये परेशानी की बात है ना, किसी ने हमला कर दिया, खबर दे। क्या उन्होंने हमला कर दिया? तो फिर कहा कि आपने कहा था कि पहल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन हमला करे तो फिर जंग की इजाजत है। यहां सैयदुश्शुहदा ने अजीब काम किया, वो काम जिसका दर्द अबुल फजल अब्बास समझ सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने मुसलसल 36 साल इस दिन का इंतजार किया, इस एक दिन के लिए जिंदगी गुजारी, मुसलसल इंतजार किया। हुसैन के लिए क्या था? का अब्बास ये तलवार मुझे दे दीजिए। अजीब राज है, तलवार ली हुसैन अपने असहाब में से, हबीब को भेज दें, मुस्लिम अपने औसा को भेज दें, जुहैर अपने तैन को भेज दें, हज्जाज अपने मसरूक को भेज दें, अबू समामा को भेज दें, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी किसी और को भेजें, लेकिन इस काम के लिए किसे भेजा? अबुल फजल अब्बास को। दिक्कतें मैं आने वाले दिनों में इन सब बातों का कोशिश करूंगा जवाब अर्ज करूं। इमाम हुसैन की तरतीब, 9 का दिन जंग हो सकती थी, हमला हुआ नहीं रखा, 10 का दिन मुंतखब किया, इस दिन भी असहाब को पहले रखा, फिर बनू हाशिम की तरतीब बनाई, फिर आखिर में अबुल फजल अब्बास, अबुल फजल अब्बास के बाद अली अकबर अलैहि आलाफ तैयद वसना, उसके बाद जनाबे अली असगर की कुर्बानी रखी, आखिर में अपनी कुर्बानी रखी। ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से पहले असहाब को भेज दिया, फिर बनू हाशिम को भेजा, फिर बनू हाशिम में भी खास तरतीब रखी।
کیوں جناب قاسم کو سب سے آخر میں نہیں رکھا؟ یہ ساری باتیں خود امام حسین کی زندگی کے 57 برس کافی نہیں تھے اس نام اور ان صفات اور ان کمالات کے ظہور کے لیے؟ ایک ایسا نقطہ چاہیے تھا جہاں ایک دن یہ سارے کے سارے کمالات ظاہر ہو, اور روح زمین کا وہ نقطہ کربلا ہے, اور تاریخ کا وہ دن عاشورہ ہے کہ اس نقطے پر کربلا میں اور اس دن عاشورہ میں چند گھنٹوں کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام کے لا متناہی کمالات کا ظہور ہوا. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک یہ چند گھنٹے صدیوں پر چھا گئے, صدیوں پر بھاری ہوئے. کیوں؟ ان چند گھنٹوں میں ہر لمحے میں حسین ابن علی کے ایک الگ کمال کا ظہور ہوا. عجیب خوبصورت جملہ کا, اور عجیب درد یہ ہے کہ یہ جملہ کسی شیعہ رائٹر نے نہیں کہا, یہ مصر کے اہل سنت عالم ڈاکٹر عباس محمود اقات نے کہا. انہوں نے کہا کہ روز عاشور میدان کربلا میں دو طرح کی جنگ تھی, دو طرح کی جنگ. ایک جنگ امام حسین کے لشکر اور عمر ابن سعد کے لشکر کے درمیان چل رہی تھی, اور دوسری جنگ خود امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات اور کمالات کے درمیان چل رہی تھی. اور ہر کمال حسینی یہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے کمال پر سبقت لے جائے. روز عاشور امام حسین کی ہر فضیلت یہ چاہتی تھی کہ دوسری سے آگے بڑھ جائے. علم چاہتا تھا معرفت سے آگے گزر جائے, یہ فرق رکھا ہے میں نے. معرفت یہ چاہتی تھی کہ حسین کے صبر سے آگے گزر جائے, صبر چاہتا تھا شجاعت سے آگے, شجاعت چاہتا تھا کہ استقامت سے آگے, استقامت چاہتی تھی حسین کی جود و عطا سے آگے. چند گھنٹوں کے اندر حسین ابن علی کے کمالات کا ایسا ظہور ہوا کہ وہ بشر جو عاشق کمال ہے, اب کل کمال کا ظہور روز عاشور میدان کربلا میں ہوا. اب جسے بھی کمال سے محبت ہے وہ حسین کی محبت کا اثیر ہو جائے. اسی لیے میں نے کل جملہ عرض کیا مرشی نجفی کا, ان محب الحسین لقد اجننی. حسین میں نام کا مفہوم عرض کر رہا تھا, یہ حسن کیا ہے؟ ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کمال, ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جمال. اگر میں لاہور کے ان دانشوروں سے جو اہل علم اور اہل ادب اور اہل معرفت اور اہل ذوق اور اہل دل کہ کمال اور جمال میں کیا فرق ہے تو کیا رہنمائی کریں گے؟ کمال انسانی فضیلت جب درجہ عروج پہ پہنچتی ہے, کامل ہو جاتی ہے, تو آپ اسی فضیلت کو ہم کمال کہتے ہیں. کوئی انسانی شرف, علم ہے, شجاعت ہے, سخاوت ہے, آگاہی اور بصیرت ہے, زہد ہے, کوئی بھی بس, یہ کمال کہلاتا ہے. اور جمال کسے کہتے ہیں؟ جب یہی کمال اوج عروج معراج رفعت اور بلندی کی آخری حد کو چھونے لگتا ہے تو از خود یہ کمال ظاہر ہو جانے لگ جاتا ہے. تو کمال کے ظہور کی اس کیفیت کا نام ہے جمال. جمال حسن, اور جہاں پر یہ سارے جمالات کا ظہور ہو رہا ہوں یہ ذات حسین ابن علی ہے, جس کے لیے پروردگار نے یہ ایک دن منتخب کیا. جیسے ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی مصر کی اہل سنت خاتون نے جو جملہ ثانیہ زہرا سے متعلق لکھا, میں اسی باب میں لے کے آتا ہوں جو مثال دی تاکہ میری بات اور جوانوں کے لیے سہلتا ہو جائے. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی اہل سنت سکولر ہیں, مصر کی خاتون ہیں, فلسفے میں, ادب میں, علم میں, سوشیالوجی میں, علم الاجتماع میں ان کا نام ہے, معاصر علماء میں.
डॉक्टर आयशा बिन तुशाती ने सानी जहरा से मुतालिक एक किताब लिखी जिसका नाम है अलबदलतुल हुर्रिया, करबला की शेर दिल खातून। अपनी इस किताब में उन्होंने सानी जहरा को तशबीह दी है औद के साथ। औद अंबर एक लकड़ी है और कहा कि अगर आप इस लकड़ी को उठाएं और बाकी लकड़ियों के दरमियान रखें, दियार है, शीशम है, कीकर है, इनके बीच में औद की लकड़ी भी रखते हैं, फर्क पता चलेगा, आप देख के उठा सकते हैं, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इसी औद की लकड़ी को उठाएं आप और इसे आग की भट्टी में डाल दें, अब जो इसे खुशबू उठेगी ये मीलों तक फैल जाएगी। कज़ाते ज़ैनब बिन्त अली में ये सारे कमालात थे लेकिन पिनहान थे। इंसान की दीद में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो इन कमालात का इदराक कर सके, लेकिन जैसे ये खातून मदीने से करबला आती है और अब करबला से कूफा, कूफा से शाम तक का सफर करती है, और इन 22 दिनों में 19 दिन का सफर, 3 दिन जो शाम के दरवाजे पे रुकी और फिर यजीद के दरबार में, अगला मरहला जब इन मसाइब और हवादिस की भट्टी में जली ये बीबी अब के आपके कमालात जाहिर होना शुरू हुए। अब इंसान को पता चला ये कितनी बाज़मत खातून। हुसैन वही बाकमाल शख्सियत है, हुसैन वही उन तमाम सिफात का मजमूआ है बचपने से, लेकिन इन कमालात का जुहूर रोज़े आशूर हुआ, इसलिए इमाम हुसैन ने इस दिन का इंतखाब किया और इस सरजमीन का कि इस दिन के अलावा और इस जमीन के अलावा किसी दूसरी जगह में इतनी ज़र्फ़ियत नहीं थी कि वहां कमालात हुसैनी का इजहार हो सके, इसलिए करबला का इंतखाब हुआ, इसलिए रोज़े आशूरा का। वरना इमाम हुसैन की जो जुरात है, शुजात है, सखावत है बचपने से, अगर मैं तारीखी जाविये से बयान करना शुरू करूं, इमाम हुसैन से बचपने में एक सहाबी रसूल आए दूसरे शहर से, यमन से, वक्त है बस मैं अब इस नुक्ते पे आज गुफ्तगू खत्म करूं। यमन से आए सहाबी रसूल और आकर हजरत की बारगाह में शरफियाब हुए, सलाम अहवाल पूछने के बाद कहा पैगंबर का इंतकाल हो चुका, चंद महीने गुजर गए, अब हुआ है। इमाम हुसैन की बारगाह में बैठे, जानू हैदर तय किए और कहा हजरत मैं चाहता हूं कि आपकी जुबान से आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को कलाम सुनू, अपने नाना की कोई हदीस सुना दे मुझे। अब इमाम हुसैन ने यहां एक हदीस का इंतखाब किया। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि मीर तकी मीर का कोई शेर सुना दे, हाफिज का, मौलाए रूम का, सादी का, गालिब का, इकबाल का, तो आप वो शेर निकालेंगे और सुनाएंगे दूसरे को जो आपके जौक का तर्जुमान है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, फौरन से आप पहले मरले में उन सुनाएंगे। पैगंबर से हजारों अहादीस सुनी हुसैन मेरी, जो साए की तरह अपने नाना के साथ रहते थे, घर में, मस्जिद में, हर जगह मुसलसल सुनते थे, हुसैन के हाफजे में, हुसैन के दिल में पैगंबर की एक एक अदा, एक एक बात, एक एक याद नक्श है। लेकिन इन तमाम बातों में से जब यमन से आने वाले रसूलुल्लाह के सहाबी ने इमाम हुसैन से ख्वाहिश की कि कोई हदीस सुना दे अपने नाना की, क्या हदीस सुनाई, कहा मैंने अपने नाना की जुबान से सुना कि अल्लाह अशरफ और आली, आला और अरफा कामों को पसंद करता है और छोटे हकीर और घटिया कामों को नापसंद करता है। ये जुमला और इस हदीस का इंतखाब रूह हुसैन केरी का अक्कास है। बचपने से रोज़े आशूर, हजारों दुश्मनों के दरमियान हुसैन केरी की कैफियत को कलिमात गए, आपका करम पूरे औच पे, आपकी मारिफत पूरे औच पे, आपकी इबादत पूरे औच पे, हर बस में। कल हजरत की सिफात रोजे आशूर तो हुआ है, जो चीजें जहूर हुई है सैयद शुहदा से मैं कल अर्ज करूंगा, आज मैं बस ये जुमला इधर इमाम हुसैन की जुबान से जुमला था, इधर आपकी जुरअत बचपने में। रसूल इस्लाम ने फतक के अलावा
एक कत अरजी एक टुकड़ा जमीन का अपने बड़े नवासे इमाम हसन मुस्तफा को तोहफा दिया था, एक टुकड़ा इमाम हुसैन को तोहफा दिया। पैगंबर का विसाल हो चुका है, यह भी बचपने का वाकया। इमाम हुसैन खुद उसी बचपने में इस खेत की आबियारी करते थे, पानी लगाते थे, खुद आके घंटों बैठते थे या पौधे लगाते थे, दरख्त लगाए अपने हाथों से। निस्बत से अपने नाना की निस्बत से ये जमीन की और का टुकड़ा ये खेत इमाम हुसैन को बहुत अजीज था। अब हज पे तशरीफ ले गए, ये जगह बहुत प्यारी थी जो पैगंबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी। खूबसूरत जगह थी देखने में, और फिर उसमें मेहनत की हजरत ने अपने उस बचपने में। मरवान बिन हकम को ये जगह अच्छी लगती थी, ख्वाहिश थी कि मैं ये हथियार हूं किसी। अब ये फुर्सत का इंतजार कर रहा था, मौके की तलाश में था। इमाम हसन और इमाम हुसैन हज पर तशरीफ ले गए। जब इमाम हुसैन पलट के आए मदीना में पहुंचे, आपके किसी अजीज ने बताया कि आपका वो तो कत अरजी है, जमीन का वो टुकड़ा जो आपके नाना ने तोहफे में दिया था, मरवान बिन हकम ने उस पर कब्जा कर दिया और आपकी जो बाढ़ थी खेतों के गिर उसे उखाड़ के फेंक दिया है, आपके लगाए हुए पौधे उखाड़ दिए, अपनी फसल वहां पे काश कर इस फुर्सत का इस्तेमाला करते हुए हजरत चले। जो हुसैन का मिजाज है, ये आपकी हुर्रियत पसंदी, ये आपकी हक तलबी, ये बचपने से है, ना कि उसे आशू चले पहुंचे। इत्तेफाक से मरवान बिन हकम खेत में मौजूद था। हजरत बड़े न बात की न कुछ कहा, कमाल एक बिनान से आगे बढ़ते चले गए, और वो पटका अमामा जो मरवान बिन हकम ने अपने सर पे पहना हुआ था जाके वो उतारा उतारा, और भी इसके दोस्त बैठे हुए थे, बनू उमैया के अफराद बैठे हुए थे, और उतारने के बाद उसे खोला और खोलकर इसे इसके गले में जो लपेटा, एक सिरा एक तरफ पकड़ा, दूसरा सिरा एक बच्चा, और एक ऐसे 40-45 साल के फर्द को यूं कि उसकी आंखें बाहर आने लगी, दम घुटने लगा, सांस बंद हो गई, घबराया, करीब तक कि मर जाए, बाकी अपराध बीच में पड़ेगा, इसे मुआफ कर दीजिए, इससे गलती हुई। हजरत ने मुआफ कर दिया। ये इमाम हुसैन का मिजाज है, ये जुरात ये शुजात बचपने से। यहां तक कि 28 रजब को जब वलीद बिन उतबा ने आपको दरबार में बुलाया, हजरत तशरीफ ले गए। वलीद से जो इमाम हुसैन की गुफ्तगू हुई, तारीखों मौजूद है, आप बचपन से सुन रहे हैं, आपके सामने सब बात। इमाम हुसैन ने फरमाया, तू अगर मेरी मुझसे बैत लेके राय आम्मा को हमवार करना चाहता है तो मेरी मख्फी बैत तुम्हारे किस काम की है? अगर राय आम्मा को हमवार करना है तो फिर दिन के उजाले में अहले मदीना के सामने मुझसे बैत तलब करो ताकि तुम्हें कुछ फायदा भी हो जाए। तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। सर झुकाया और इमाम के साथ दारुल अमारा के दरवाजे तक आया, खुद हाफिज कहने के लिए, मदीने का गवर्नर। लेकिन वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाने से पहले मदीने के साबिक गवर्नर मरवान बिन हकम को बुला लिया, इसे मशवरा दिया था। अब जब वलीद ने यह अंदाज इख्तियार किया इमाम हुसैन के साथ, तो मरवान बिन हकम जल्दी से वलीद की तरफ बढ़ा, आगे बुला के अपनी तरफ बुला के, सुनो वलीद, हुसैन को ना जाने दो, अगर हुसैन अभी इस वक्त गवर्नर हाउस से चले गए दोबारा तुम हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर सकोगे, नहीं पकड़ सकोगे। अब हुसैन से या अभी बैत लो, अगर हुसैन बैत नहीं करते तुम्हारे पास 1000 सिपाही मौजूद है, कत्ल करो। ये कलिमा इमाम हुसैन के कानों से टकराए, इसने कहा बैत या कत्ल। उस्ताद शहीद मुर्तजा मतहरी ने लिखा कि इमाम हुसैन बिजली किसी सुरात से पलटे और अगले ही लम्हे इमाम ने मरवान बिन हकम को गिरेबान से पकड़ा, फिर बुलंद किया, इतना बुलंद किया इमाम हुसैन ने कि मरवान का सर दारुल अमारा की छत से टकराने लगा। फिर इमाम हुसैन ने दोबारा से जमीन पर पटका और अजीब जुमला कहा कि मरवान तू कब से इस काबिल हो गया कि तू हुसैन इब्न अली के साथ गुफ्तगू कर सके? तुम्हारी हैसियत कब से है कि तू हुसैन से बात कर सके? देखिए, अब इंसान सोचता है कि वो बचपना है, हुसैन का अपना घर है, मदीना है, यहां बनू हाशिम के जवान बाहर जमा है,
नंगी तलवारें लिए हुए इमाम हुसैन कह भी गए कि अगर मेरी आवाज बुलंद ना हो तो मेरा इंतजार करना, और अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए फिर तुमने अंदर आ जाना है। और जैसी इमाम की आवाज बुलंद हुई दारुल अमारा का दरवाजा टूट चुका था। बनु हाशिम के जवान जिनमें अबुल फजल अब्बास सबसे पहले थे, आपकी तलवार मरवान बिन हकम की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। कोई कह सकता है कि इमाम हुसैन को चूंकि साथियों का एहतमाम था, खड़े हैं, मौजूद हैं, मुंतजर हैं, आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए रोज़े आशूर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन, बस खत्म कर रहा हूं इससे आगे नहीं जाऊंगा, जख्मों से चूर हैं असगर, सर से लेकर पांव तक खून में डूबे हुए हैं। और आपको पता है जब खून निकलता है इंसान का तो उसको ज्यादा प्यास लगती है, और अब जबकि इमाम हुसैन के जिस्म का ज्यादा खून खाके करबला में बह चुका है, शिद्दत प्यास का गलबा है। सैयद इब्ने ताऊस ने लिखा है कि इस वक्त इमाम हुसैन की हालत ये थी कि आपको आसमान धुएं की शक्ल में नजर आ रहा था। जब हजरत साहब पलंग करते आसमान की तरफ निगाह उठाते धुएं की शक्ल में, इस आलम में कूफे से इब्ने ज़ियाद का कासिद पहुंचता है। तो जैसे कासिद पहुंचा उमर साहब के पास आया और उमर साहब को खत दिया, कहा कि इब्ने ज़ियाद कह रहे हैं कि अभी भी इस वक्त भी अगर, क्योंकि पहले इब्ने ज़ियाद कुछ और कह रहा था, अब वक्त नहीं है मैं अर्ज़ करूं, कहा कि अभी भी अगर हुसैन मुआफी मांगते। देखें मसाइब मुसीबतें अपनी आखिरी हद पे पहुंची हुई, इस लम्हे जबकि वाकई इंसान की अब बर्दाश्त और तहम्मुल जवाब दे जाए, ऐसी कैफियत के सिरे से इमाम हुसैन के एक एक लम्हा सांस लेना जितना दुश्वार है इस आलम में। कल इब्ने ज़ियाद जी कह रहा है कि अगर अभी भी हुसैन कह दे कि मैं बैत करता हूं तो हम माफ कर देंगे, वरना उनसे कहो कि मरने के लिए तैयार हो जाए, काफी करो। उमर इब्ने साद ने आकर इमाम हुसैन के सामने ये कहा कि इब्ने ज़ियाद का पैगाम आया, अभी भी आपके पास दो रास्ते हैं, बैत कर लीजिए या फिर मौत के लिए तैयार हो जाइए। अजीब जवाब दिया। उस लम्हे जब इमाम हुसैन की प्यास की शिद्दत और जख्मों का ये अंदाज है, जब बोलना मुश्किल था, शहीद मुतारी कहते हैं इतनी कुव्वत से हुसैन इब्ने अली ने अपनी आवाज बुलंद की कि पूरे सहराए करबला में हुसैन की आवाज गूंजी, और उमर इब्ने साद के तमाम सिपाहियों ने और अहले कूफा के तमाम तमाशाई जो जमा थे मैदान करबला में सबने सुना। अजीब तेवर थे, इमाम हुसैन का अंदाज इतना अजीब था, क्या अल्फाज। और अगर ये जुमले खुद मेरे आका इमाम हुसैन के ना होते मैं कभी मिंबर से कहने की हिम्मत ना करता। ये जुमले खुद आका की जुबान से निकले, जब हुसैन कह सकते फिर मैं भी कह सकता हूं। कहे उमर इब्ने साद इन तई यत्न तई कद रकजनी बैन इस्नतैन, हराम सादे का हराम सादा बेटा ये मुझे दो बातों के दरमियान ले आया है, बैन जिल्लत व सिल्ला, कि हुसैन जिल्लत कबूल करे या मरने के लिए तैयार हो जाए। जाओ इब्ने ज़ियाद को मेरा पैगाम दे देना, हुसैन कह रहा था हैयात मिन जिल्ला, अल्लाह ने जिल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा है। इसलिए मैं जुमला अर्ज करूं, ऐ जवानों सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और बाकी अपनी निजी जिंदगी में आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात कीजिए, गुफ्तगू करें इल्मी अंदाज में, तहजीब और कदरों का लिहाज रखते हुए, लेकिन हर एक लायक की गुफ्तगू नहीं है, हर एक बात के लायक नहीं है। अगर सामने माकूल फर्द है, दलील बुरहान को समझता है तो बात कर लीजिए, लेकिन अगर कहीं पर फनी खराबी है तो फिर ये बांस के लायक नहीं है। कैसे बयान करो अपनी बात, मेरी बात को मुझसे बहुत बेहतर शहीद मोहसिन नकवी ने बयान किया, कहा कि अगर तू हुसैन का दुश्मन आ जाए तुम्हारे सामने, हुसैन दुश्मनी पे उतर आए, इस हद तक गिरे कि कायनात के नापाक तरीन बलि तरीन नजिस तरीन फर्द को रजी अल्लाह कहना शुरू करते,
रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दे, कातिले हुसैन को, दुश्मन हुसैन को, यजीद को, अगर रजी अल्लाह के और रहमतुल्लाह और आपको कहनी मैं मुनाजरा करूंगा, बांस करूंगा, ना, ये मकाम बांस नहीं, ये मकाम गुफ्तगू नहीं। बस एक सवाल करो उसे और कुछ बात मत करो। क्या कहा कि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से, इसलिए कि जब इंसान गैर शरई तरीके से नाशायस्ता तरीके से दुनिया में आता है, जभी वो हुसैन इब्ने अली जैसी उल अज़्म तहारतों के आसमान के मुकाबले में आज खड़ा होता है। इमाम हुसैन की तमाम सिफात में गलत दो जहां बात छोड़ दो, हर बस डॉक्टर अब्बास महमूद इकाब का जुमला बहुत खूबसूरत है, इसके हुस्न को महसूस कीजिए। हर बस रोजे आशूरा मैदान करबला में पूरे औज पर चाहते हैं कि दूसरे से आगे निकल गए, ये जुरत इजहार है। और मारिफत खुदा का अलम क्या है? हुसैन इब्ने अली रोज़े आशूर फना फिसाद तौहीद। सोचिएगा जो जुमला भी अर्ज करने लगा, जब हुर आया इमाम हुसैन की बारगाह में मुआफी मांगने के लिए, तौबा के लिए आया, मुआफी मांगी, इमाम हुसैन ने जवाब में क्या कहा? मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं। आप मक्तल और सीरत सैयद शुहदा की तमाम किताबें उठाइए, हुसैन इब्ने अली ने हुर के जवाब में क्या फरमाया? इतनी बुलंद है रूह हुसैन रोज़े आशूर, हुसैन सिफात इलाहिया का मजहर, सिफात हक ताला का, सिफात खुदा सुभान का जुहूर हो रहा है नूर हुसैन इब्ने अली से। इसलिए जब हुर सामने आया माफी मांगी, नहीं कहा मैं तुम्हें माफ करता हूं, कहां खड़े हुसैन किस दर्जे पे हैं, उसी लम्हे फरमाया और जान खुदा ने तुझे माफ किया। अल्लाह ने, सोचिएगा इस जुमले का वजन महसूस कीजिएगा, हुसैन फना फिस जात तौहीद सर से लेके पांव तक इश्क खुदा में डूबे हुए, ये मारिफत की मंजिल है कि रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली सिवाय खुदा के किसी भी इंसान को नहीं देख रहे। ये जुमले अजीब है, जब अपनी शहादत से कुछ देर पहले हुसैन जेरे लब जमजमा कर रहे हैं खलकतुल खल्क तुर्रन फी हवाक, परवरदिगार मैंने सारी कायनात को छोड़ दिया सिर्फ तेरे इश्क में, वअइतमतुल अयाल लिकी अराक, बच्चों को यतीम कर दिया ताकि तेरी जियारत कर सकूं, अंधी हो जाए वो आंख जो तुझे नहीं देख सकती। ऐ मेरे खुदा तू मख्फी कब था कि हुसैन तेरे लिए दलीलें तलाश करे? मन वजदक फमा ज़ादा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और मेरे परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया। मेरा जी चाहता है मैं इसके ज़िम्न में तभी बात मुकम्मल होगी एक जुमला, वो जुमला जो आका हुसैन ने अपने अल्लाह की बारगाह में कहा, मैं चाहता हूं मैं और आप मिलकर खुद आज अपने आका हुसैन की बारगाह में कहें। हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर फरमाया मेरे परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ए हुसैन आज आपके चाहने वाले आशिक इस जमीन पर बैठकर आपकी बारगाह में यही बात कह रहे हैं, ए हुसैन जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और ए हुसैन जिस बदनसीब ने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। किस दर्जे पे रूह हुसैन इब्ने अली, बहुत वक्त गुजर गया, मैंने बहुत ज़हमत दी, बस अब खत्म कर दिया, यहां तक कि दुश्मन के कलम को हुसैन ने अपने लिए वसीला तारुफ करा दे दिया। इस औज पे इंसिफा यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान का रिपोर्टर, दो मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला आए, इधर यजीद की फौज का रिपोर्टर भी दो मुहर्रम को पहुंचा, इसे यजीद ने शाम से भेजा था कि मुझे उमर इब्ने साद पर एतबार नहीं है, मुझे इब्ने ज़ियाद पर एतबार नहीं है, मुझे हुरमला आशिम इब्ने ज़िलजोसन शबस और मोहम्मद बिन अशद इन लोगों पर एतबार नहीं है, जाओ करबला में,
जाकर हुसैन और हुसैन के साथियों की एक एक बात को महफूज करो, लिखो और आके मुझे बताना कि करबला में मेरे दोस्तों ने क्या किया और करबला में मेरे दुश्मनों ने क्या किया। ये आया शाम से आया, दो मुहर्रम से इसकी निगाहें गड़ी हैं इमाम हुसैन पर, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं, बच्चों के साथ रवैया क्या है, अपने साथियों और सिपाहियों के साथ क्या अंदाज है। मुसलसल देख रहा, शाम से आया, दुश्मन का भेजा हुआ, लेकिन बस फितरत पर गर्व थी, जैसी इस नूर हकीकत को करीब से देखा वो गर्व छटने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बचपन से लेके मोहलियात और मुल्ला और माहौल के सारे प्रोपेगंडे झूठी बातें घटती गई। करीब से नूर हुसैन का मुशाहिदा करता रहा। इन आठ दिनों में ये शख्स इमाम हुसैन से इतने करीब आ पहुंचा, इतने करीब आ पहुंचा कि रोज से आशूर दस मुहर्रम इसकी कैफियत बदल गई। यहां तक कि जब इसे यकीन हो गया कि अब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, ये जल्दी से दौड़ता हुआ उमर इब्ने साद के पास गया का, ए उमर इब्ने साद, तू मुझे इतनी इजाजत दे दे कि मैं इस शख्स को हुसैन इब्ने अली को दो घूंट पानी पिला। यजीद की फौज का रिपोर्टर खारिज कर रहा, उमर साहब ने सुना, ताज्जुब किया, कहा तुम्हें पता है तू कौन है, तुम्हें खबर है यजीद ने तुम्हें क्यों भेजा और तू किसके लिए खारिज कर रहा। कहा डरो नहीं, मैं यजीद के सामने तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने मुझे ऐसा काम करने दिया, और मुतमइन हो जाओ माले दुनिया में से मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे ये एक काम करने दे। उमर इब्ने साद माले दुनिया का हरीस है, पहले इरादा नहीं था लेकिन रह की वजह से ईरान की हुकूमत के प्रति तहरान, तो जब माल की लाना चाहिए सोचा कर ठीक है जाओ फिराओ। अब ये शख्स यजीदी फौज का रिपोर्टर दौड़ा कर फुरात की तरफ, इसने कांसा भरा आगे फुरात से पलटा, इतनी देर में या तो उमर साद ने शिमर को इशारा किया या खुद शिमर आगे बढ़ा, और जितनी देर में ये शख्स वापस आता इतनी देर में ये शख्स इमाम हुसैन का गला काट चुका था। और अब शिमर ने आका का कटा हुआ सर आपके सीने पर रख दिया, लेकिन ये हुसैन इब्ने अली की मारिफत का औच है, ये हुसैन की नूरानियत जो आपके चेहरे पर मुतजल्ली हुई कि उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुतहरी कहते। अजीब बात ये थी कि रोज से आशूर जैसे जैसे मसायब के पहाड़ टूट रहे थे, हुसैन इब्ने अली के चेहरे की तमानीनत इत्मीनान और नूरानियत में इजाफा हो रहा था। आगे पानी लेके आगे बढ़ा और इमाम हुसैन आका का सर कट चुका है, सीने पे रखा है, पास शिमर खड़ा है, हाथ में शमशीर है, और इस दौरान में यजीद की फौज का रिपोर्टर पानी का जाम भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता चला गया। सब हैरत इसकी तरफ देख रहे थे, क्या हुआ, यहां तक कि इसने करीब पहुंचकर पानी का यही जाम इमाम हुसैन के कटे हुए लबों के साथ लगा दिया, पानी पिलाने लग गया। जब साथ उमर इब्ने साद ने यह मंजर देखकर चिल्लाया कहा, ए यजीद की फौज के रिपोर्टर क्या देखा है कि कटा हुआ सर भी पानी पिए। अजीब जुमला था, इस जुमले का वजन कीजिए कि मुड़ा और हैरत से मुड़ा और उमर साहब की तरफ देख के बोलता है, बोल रहा है, लकद शगल अपनी नूर वजह ही अनफिक्र तकले, ए उमर साहब अल्लाह की कसम मुझे इस शख्स के चेहरे ने इतना मबहूत कर दिया, इतना जज्ब किया इस शख्स के चेहरे की नूरानियत ने कि मैं भूल ही गया कि सख्त गला कट चुका, मैं सिवाय में दुबला बयान करना भूल गया कि जब पूछा उमर इब्ने साद ने कि तू क्यों ऐसा करना चाहता, कहा कि मैं आठ दिनों से देख रहा हूं बिल्कुल आज के दिन जो इस शख्स के चेहरे पर नूरानियत है, इसलिए पानी चलाना चाहता हूं कि अगर एक दफा ये शख्स निगाह गरम उठा दे मेरे चेहरे पर डाल दे
तो मुझे यकीन है कि परवरदिगार मेरे सारे गुनाह बख्श देगा, तो परवरदिगार मुझ पर जन्नत को वाजिब कर देगा। मेरे अजीजों, मैंने आपको बड़ी ज़हमत दी, मुझे अंदाजा है कि वक्त घंटे से तजावुज कर दूंगा, इसलिए मैं मुसीबत का सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा, एक जुमला पढ़ूंगा। लेकिन आप यहां तक पहुंचे हैं तो फिर मैं इसी जिम में बात को बढ़ा के मसाइल पहुंच के बात खत्म कर रहा हूं। इसी का तसलसल समझ लीजिएगा, इसी का तकमेला समझ लीजिएगा, इसी बात का तकमा समझ लीजिएगा। इमाम हुसैन इन लम्हात में जब गैर खुदा किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहे, अब समझे करबला में हुसैन की फौज का सिपह सालार कौन है। अबुल फजल अब्बास की अजमत इमाम हुसैन की निगाह में क्या है, अगर ये लम्हात आपने महसूस कर लिए, जिन लम्हात में हुसैन बेनी सिर्फ खुदा को देख रहे हैं, सिर्फ खुदा का जिक्र कर रहे हैं, इन लम्हात में क्या मकाम है अबुल फजल अब्बास का। बस एक जुमला करूंगा, मैं जिस खत्म हो गई, जब असीरों का ये काफिला पलट कर मदीने पहुंचा, उम्मुल बनीन ने इस्तकबाल किया, अपने पोते फजल की अंगली थामे हुए आगे बढ़ी। अजीब माँ है, वाकई अजीब खातून, अजीब इंतखाब है ज़ाते फातिमा का, मौला मुत्तकियान का, आगे बढ़ी, सलाम किया इमाम सज्जाद की बारगाह में, और सलाम करने के बाद बिला फासला इस मुअज्जमा ने इमाम सज्जाद से क्या पूछा, सैयद सज्जाद मेरा दिल तड़प रहा, बस मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या करबला ने मेरे बेटे अब्बास ने अपने आका हुसैन के साथ वफा की। शमी की गिरिया किया सैयद सज्जाद के लिए की आवाज बुलंद हुई, कौमुल बनी आपने मुझसे ऐसी बात पूछी है कि मेरे दिल को रुला दिया। कौमुल बनी एक बात सुने फिर खुद देखें, आपके बेटे अब्बास ने करबला में क्या किया और मेरे बाबा हुसैन की बारगाह में मेरे चचा अब्बास का मकाम क्या है। तो बेटा बताइए कि जब हमें करबला से शाम के लिए असीर करके ले जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर मेरी सवारी उमर इब्ने साद की सवारी के साथ चल रही थी, और इस दौरान में उमर इब्ने साद ने मेरे बाबा के कातिल शिमर इब्ने जिलजुजन को बुलाया और उससे मेरे बाबा के कत्ल की कैफियत पूछी कि जब तू हुसैन पर जरबे चला रहा था तब हुसैन की क्या हालत थी। तो ये मेरे बाबा के कातिल शिमर की कलिमात है, कहा शिमर ने उमर इब्ने साद को जवाब दिया कि हुसैन ने सर सजदे में रखा और हुसैन ने जिक्र सजदा शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने पहली जरब चलाई हुसैन इब्ने अली का जिक्र सजदा तब्दील हो गया और हुसैन ने पढ़ना शुरू किया रजन बे कजा एका व तस्लीम अल अमरे ला माबूद सिवाक, क्या गया सर मुस्तवीजी। मैंने दूसरी जरब चलाई, हुसैन ने फिर यही जिक्र पढ़ा, मैंने तीसरी जरब चलाई, हुसैन ने सेवा यही जिक्र पढ़ा, मैं जरबे चलाता रहा, हुसैन पैगम मुसलसल यही जिक्र पढ़ता रहा, यहां तक कि जब मैंने तेरहवीं जरब चलाई और मैंने हुसैन के सर को हुसैन के तन से जुदा किया और अब मैंने हुसैन के बालों में हाथ डाले और हुसैन के सर को बुलंद किया तो मैंने देखा कि अभी भी हुसैन के लब हिल रहे हैं, अभी भी हुसैन के लब हिल रहे हैं। मैंने सोचा अब हुसैन क्या कह रहा है, अब हुसैन कौन सा जिक्र कर रहा है। हुसैन की आवाज बहुत लहीब थी, हुसैन की आवाज बहुत कमजोर थी, इसकी मैं अपने कान हुसैन के कटे हुए लबों के करीब लेके गया तो हुसैन की मुसलसल एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, अब्बास अब्बास अब्बास। परवरदिगार बेहक अबुल फजल अब्बास हमारी से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, परवरदिगार हमारी से इबादत के लिए बेहक अबुल फजल अब्बास अजर अजीम करार दे। परवरदिगार आशिकान हुसैन मुहिब्बान हुसैन अजादार हुसैन इस मकाम पर जिक्र हुसैन की जमा हुए परवरदिगार अपने महबूब हुसैन इब्ने अली के सदके में मोमिनीन की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, मोमिनीन की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम हाजात को पूरा फरमा, तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा, फरजंद हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, तशय्यों को हवादिस रोज़गार से महफूज और मामून फरमा। रहमतुल्लाह अल्फ़ा।